हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो देखो, आज का जो टॉपिक है वो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ दो होते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसे हम शॉर्टली KCL भी कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, इसे करंट लॉ भी कहते हैं कि किसी भी जंक्शन पर जो मिलने वाली जो सारी करंट होती है, उन सबका जो सम होगा वो जीरो होगा। समेशन आई इज इक्वल टू जीरो। आई वन और आई टू करंट इस जंक्शन की ओर आ रही है, आई थ्री आई फोर आई फाइव करंट जो इससे बाहर की ओर जा रही है। तो जो करंट इसकी ओर आती है उन्हें प्लस में लेते हैं, और जो करंट इससे दूर जाती है उन्हें हम नेगेटिव लेते हैं। आई वन प्लस आई टू माइनस आई थ्री माइनस आई फोर माइनस आई फाइव इज इक्वल टू जीरो। ये साइन कन्वेंशन रूल है करंट का, किसी जंक्शन की ओर आते हैं तो उन्हें हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और जो दूर जाते हैं उन्हें हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये जो नेगेटिव वैल्यू हैं इनको जुड़ेंगे तो इधर साइड पर पहुँचेंगे, आई वन प्लस आई टू और इक्वल टू हो जाएगा आई थ्री प्लस आई थ्री आई फोर प्लस आई फाइव। ध्यान से देखिए, जितनी भी करंट इस जंक्शन की ओर आ रही थी उतनी करंट जंक्शन से बाहर जा रही है। तो जो ये पॉइंट है जंक्शन पॉइंट, इस जंक्शन पॉइंट पर किसी भी करंट का कोई एक्युमुलेशन नहीं हो रहा है। जब करंट का एक्युमुलेशन नहीं हो रहा है तो इससे स्पष्ट होता है कि वहाँ पर कोई चार्ज भी नहीं होगा, नहीं तो जहाँ चार्ज जनरेट हुआ ना ही जो है फिनिश हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज का फॉलो करता है। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से देखें। एक एग्जांपल दिया हुआ है, ए बी सी और डी चार जंक्शन पॉइंट है, जिनमें 8 एम्पीयर करंट इधर से आ रही है, 6 एम्पीयर करंट इधर से, 3 एम्पीयर करंट इधर से। तो हम वन बाय वन प्रत्येक जंक्शन पर जाएंगे। जंक्शन ए पर देखें, 8 एम्पीयर करंट इधर आ रही है, तो 8 एम्पीयर जो आ रही है पॉजिटिवली, X1 इधर जा रही है नेगेटिवली, और X2 इधर जा रही है वो भी नेगेटिवली, और इनका सम क्या किया, जीरो। तो X1 इज इक्वल टू 6 एम्पीयर आ गया। एट डी पॉइंट पर देखें, डी पॉइंट पर यहाँ पर X1 करंट इधर आ रही है, 3 एम्पीयर करंट इधर, तो ये दोनों पॉजिटिवली जाएंगे, दोनों पॉजिटिवली। X2 इधर जा रही है तो इसको नेगेटिवली जोड़ा, सॉल्व किया, X2 इज इक्वल टू आ गया 9। सिमिलरली बी जंक्शन पॉइंट पर पहुँचेंगे, बी जंक्शन पॉइंट पर 6 एम्पीयर करंट इधर से आ रही है, 2 एम्पीयर करंट इधर से, और 3 एम्पीयर X3 इधर जा रही है, तो जो इसकी ओर आ रही है हम पॉजिटिव लाएंगे, तो 6+2 और X3 बाहर की ओर जा रही है, -X3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर X3 इज इक्वल टू 8 एम्पीयर। सिमिलरली एट जंक्शन सी पर जाएंगे, जब सी पर पहुँचेंगे X2+X3 इज इक्वल टू X, क्योंकि X3 और X2 इधर आ रही है और X इधर जा रही है। सॉल्व किया, X की वैल्यू आ गई 17 एम्पीयर। क्लियर? और देखिए यहाँ पर देखें, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है। मान लीजिए R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस और R3 रेजिस्टेंस ABCD पॉइंट्स के बिटवीन में ऐड हुए हैं। दो सेल भी हैं यहाँ पर, E1 और E2, EMF की या वोल्टेज की। तो इन पर भी हम KCL लॉ अप्लाई करेंगे, अपना जो जग खर्चा आपका फर्स्ट लॉ है वो बी पॉइंट का। बी पॉइंट का पोटेंशियल VB है। तो यहाँ पे देखें, तीनों करंट, मान लीजिए I1 करंट इधर से जा रही है, I2 करंट इधर से, और फिर ये I3 इसमें जा रही है, तो I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ध्यान से देखेंगे, I1 की जो वैल्यू होगी वो E1 और B, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और अपॉन में जो रेजिस्टेंस होगा, ओम्स लॉ हम फॉलो करते हैं यहाँ पर, तो E1 माइनस B, क्योंकि करंट इधर से इधर को फ्लो हो रही है, तो हम क्या करेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दोनों के बिटवीन में वो मैक्सिमम से मिनिमम को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ज़्यादा से कम को घटाएंगे, तो E1 माइनस VB अपॉन R1। सिमिलरली E2 माइनस VB अपॉन R2, और करंट आउटर साइड में जाती हुई दिखाई गई है तो उसे हम नेगेटिव लेंगे, VB माइनस VD अपॉन R3, क्योंकि दिस इज द हायर पोटेंशियल, दिस इज द लोअर पोटेंशियल, क्योंकि हायर से लोअर की करंट फ्लो करती है, तो VB माइनस VD अपॉन R3 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान से देखेंगे, E1 माइनस VB इज इक्वल प्लस E2 माइनस VB अपॉन R2 माइनस VB अपॉन R3। ये उस केस में जब मान लेते हैं जो D पॉइंट है वो R3 है, जब D पॉइंट R3 होगा तो उस केस में E1 अपॉन R1 माइनस VB अपॉन R2 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस VB अपॉन R3 इज इक्वल टू VB अपॉन R3। सॉल्व किया, VB वाई VB जो पॉइंट है, क्रब लगा रहे V वाले कंपोनेंट्स को, वहाँ से आप VB कॉमन ले लिया है,
और वी वी की जो वैल्यू आएगी इसमें डिवाइड देंगे नीचे का, तो ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू अपॉन वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। क्लियर? तो ये है वी वी का मान। सिमिलरली एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, ध्यान से देखें इस एग्जांपल को, ये देखें 6 वोल्ट पर ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट जो है वो 3 वोल्ट पर, और एक पॉइंट सी है, सी पॉइंट पर 2 वोल्ट है। 6 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम का रेजिस्टेंस और 2 ओम का रेजिस्टेंस, तीनों को ऐड किया हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि तीनों रेजिस्टेंस में कितनी कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो हमने क्या करा, जंक्शन पर मिलने वाली सारे करंटों को सम किया हमने, आई वन प्लस आई टू, मान लीजिए आई थ्री करंट इसमें जा रही तो उसे माइनस आई थ्री लिया इज इक्वल टू जीरो। चाहो तो इसे प्लस में भी ले सकते हैं, वही इसकी डायरेक्शन में सिदर कर दीजिए, प्लस में ले लीजिए तो भी वो वही आंसर आएगा, कोई मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि करंट जो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को मूव करती है, इसमें कोई वो नहीं है। तो 6 माइनस वी डी अपॉन 6, 3 माइनस वी डी अपॉन 3 माइनस वी डी माइनस 2 बाई 2। देखो इनका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, सबके पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ रखे, अपॉन में रेजिस्टेंस रखे, तो आई वन आई टू और आई थ्री की वैल्यू निकल गई। 6 से 3 से 2 से इनको अलग अलग हमने डिवाइड दिया, सॉल्व किया, सॉल्व करने पर वी डी इज इक्वल टू आ गया 3 वोल्ट। वी डी की वैल्यू जब 3 वोल्ट आएगी यहाँ पे, तो इस वाले में कितनी करंट होगी, इस वाले में जो करंट होगी 6 माइनस वी डी, और वी डी की वैल्यू कितनी है 3, तो 6 माइनस 3 अपॉन में उसका रेजिस्टेंस 6, सॉल्व किया 1 बाई 2 आ गया करंट। यहाँ पे देखेंगे आई टू इज इक्वल टू, आई टू के लिए जब हम निकालेंगे तो सीधा आई टू करंट, तो 3 माइनस ये भी 3 है, 3 माइनस 3 अपॉन में रेजिस्टेंस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे आई थ्री निकालेंगे, आई थ्री इज इक्वल टू 3 माइनस वी टू, दिस इज द पोटेंशियल 3 और दिस इज द पोटेंशियल 2, तो 3 माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2। जो आई टू करंट है वो 0 है, यानी इस वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, और इसमें 1 बाई 2 1 बाई 2, क्योंकि जितनी करंट इसमें आई होगी उतनी करंट इसमें चली गई। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखें, एक और एग्जांपल हमें दिया है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक पॉइंट है वी ओ, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वी ओ दिया है, यहाँ 10 वोल्ट, ये 6 वोल्ट और ये 5 वोल्ट। यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, अपनी ओर से हमने एज्यूम किया है कि आर आर है, और करंट की डायरेक्शन आई वन आई टू और आई थ्री, ये मेरे अकॉर्डिंग डायरेक्शन है, और फिर डायरेक्शन तुम जो वो डायरेक्शन ले जो चाहो वो डायरेक्शन ले सकते हो, उनकी इसमें कोई नहीं है, कोई सी डायरेक्शन चूज कर सकते हैं, बट उन तीनों करंटों का जो सम होगा वो 0 होगा। अगर वो एक ही ओर जा रही है तो तीनों जोड़ में आएंगे, अगर एक कोई अपोजिट जा रही है तो उसे नेगेटिव लेते हैं, बट आंसर वही आएगा। तो ये कॉइन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो आई वन आई टू आई थ्री इज इक्वल टू 0 होगा, तो आई वन की जो वैल्यू होगी 10 माइनस वी ओ अपॉन आर, आई टू की जो वैल्यू होगी 6 माइनस वी ओ अपॉन आर, और इसकी जो करंट की वैल्यू होगी आई थ्री होगी 5 माइनस वी ओ। अगर हम इसे आउटर डायरेक्शन में डायरेक्शन दिखाते हैं इधर, जैसे मैंने यहाँ पर दिखा रखा बाहर, तो यहाँ नेगेटिव आता, तो नेगेटिव आता तो इस वाले में से ये घटता, यानी वी ओ माइनस 5, क्योंकि करंट हमेशा हाइयर से लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे इसे इधर ले जा रहा हूँ ऐसे डायरेक्शन, तो 5 में से वी ओ को घटाऊंगा, सॉल्व किया वी ओ का मान आया 7 वोल्ट। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, यहाँ पर देखिए एक ज्योमेट्री दिखाई गई है, इसमें 15 एम्पीयर करंट आ रही है, 8 एम्पीयर करंट इसमें आ रही है, और 5 एम्पीयर करंट इधर से जा रही है, 3 एम्पीयर इधर से, तो पूछ रहा है फाइनल वैल्यू ऑफ आई क्या होगी। ध्यान से देखें, यहाँ पर 4 जंक्शन बन रहे हैं, एक जंक्शन ये, एक जंक्शन ये, एक जंक्शन ये और एक जंक्शन ये, 15 एम्पीयर करंट आ रही है, 8 इधर गई, जब 8 उसमें से इधर गई तो इसमें कितने एम्पीयर जाएगी, 7 एम्पीयर करंट इधर जाएगी, इधर से 7 आ रही है, उधर से 3 आ रही है, तो इसमें कितनी जाएंगी, 7 और 3 10, तो 10 मिलके इसमें जाएगी, और इधर से देखिए इस वाले जंक्शन पर 8 इधर से आ रही है, 5 इधर से, तो इसमें कितनी जाएगी, 13 एम्पीयर, 10 उधर से और 13 इधर से, तो टोटल मिला के कितनी आएगी, 23। तो जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह के जो किरचॉफ लॉ के जो क्वेश्चन हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी हम उन्हें करंट के बेस पर उन्हें आसानी से निकाल सकते हैं। Thank you for watching this video.